अच्छा, ये आम कौन कौन से, ये कौन सा आम है? ये आम तो हम लोग का बिरादर है भाई। ये आपका बिरादर है? मतलब जो हम है वो ये है, ये मुस्लिम हाँ जो हम ये है। अच्छा, देखिए इसको नहीं कहा जा सकता, इसको एक प्रकार से लंगड़ा आम है ये, और अपने आप को अपने नाम दे रहे हैं ये लंगड़ा आम है दोस्तों। और ये चौसा आम है, ये चौसा है, और ये चौसा है, और ये सब लंगड़ा है, ये सब, ये कौन सा है? ये चौसा है, ये चौसा, ये लंगड़ा आम दोस्तों। ये देखिए लंगड़ा आम है, और हमको खाने के लिए सारा व्यवस्था किया इन लोगों के लिए। भैया हम इतना थोड़ी खा पाएंगे? नहीं भैया खाएंगे ना। अच्छा, जबरदस्ती खाएंगे? मतलब कुछ भी हो जाए, पेट गड़बड़ हो जाए, चल जाएगा, लेकिन जबरदस्ती खाएंगे? गड़बड़ नहीं होगा भाई। अच्छा, विश्वास है दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मन्नू अहमद जी, जिसको दीवान जी के नाम से भी जाना जाता है। यह आर्यपुर, अगर आप आर्यपुर आएंगे तो बहुत सारा बगान और आम के बगीचे में हम लोग हैं, आम के बगीचे में हैं, और आम के बगीचे में ही अब मन्नू जी से चलेंगे। आज हम आम अमरूद खाया जाएगा, है ना? बड़ी खुशी होगी कि आज हम लोग अमरूद और आम भी खाएँगे, और साथ साथ मस्ती भी होगी। मन्नू जी दोनों, एक हाथ उनका पैर विकलांग है और एक पैर भी इनका विकलांग है। अरे नहीं, इस पे सारे आम तोड़ दिए गए हैं। फिलहाल कुछ कुछ आम दिखाई दे रहे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं अमरूद की तरफ ना भैया। अमरूद है, अमरूद है, और अमरूद के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे साथ एक और साथी, जिनको इनके बारे में जानते ही होंगे, इनका नाम है बेस्ट कॉमेडियन, जो आप अक्सर वेव म्यूजिक पर और दीवाना म्यूजिक पर देखते होंगे, जो अक्सर कॉमेडियन करते हुए नजर आते हैं, डांसर शिवा मैक्स जी हमारे साथ आए हुए हैं। और आज बड़े मस्ती के साथ हम जो आज पेड़ घुमा जाएगा और यहाँ का अमरूद खाया जाएगा, किस तरह से, कितना प्यारा अमरूद है। तो हमारे साथ और भी आवाज़ें होंगी। शिवा मैक्स जी क्या कहना चाहते हैं बताइए भैया? हम डांसर शिवा मैक्स, डांसर और कॉमेडियन, और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभा की खोज। तो आप सत्या एक्सप्रेस से जुड़े रहिए, और आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग दीवान भाई के गांव में आए हुए हैं, और बहुत खुशी हो रही है इनसे मुलाकात करके। और ये सब आम का बागान है, अमरूद का बागान है, जिसमें हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इस समय। आज अमरूद खाएंगे, आज अमरूद खाएंगे। वाह, दीवान जी दौड़ते और दौड़ते जा रहे हैं बहुत तेजी से। दोस्तों ये आम का पेड़ है, ये अमरूद है, अमरूद, ये अमरूद का बगीचा, ये अमरूद है, अमरूद का बगीचा, इसमें कुछ तो लगा ही नहीं है। बैकग्राउंड बड़ी खतरनाक है दोस्तों। अभी देखिए ये अमरूद है, और ये अमरूद लगा है, अमरूद, अमरूद पक्का है कि नहीं भैया? अमरूद पक्का है कि नहीं? अरे वाह दोस्तों, ये अमरूद है, इधर दिखाइए, आपको दिखाते हैं ये अमरूद। हटिए, इधर देखिए, ये इतना सारा प्यारा, इधर दिखाया, ठीक है, छोड़िए इसको मन्नू जी, छोड़िए, इधर आइए। और इधर देखिए ये अमरूद इतना, अरे ये गिर गया मेरे ऊपर से, दाग भी लग गया दोस्तों। ये देखिए अमरूद है इतना सारा, इसको मैं तोड़ता हूँ अभी, दोनों तोड़ दिया जाए सब नहीं। वाह दोस्तों, ये शिवा मैक्स के लिए, और ये मैं, और तरह देखिए मन्नू भाई तोड़ रहे हैं। वाह, ये कभी भी अगर आपको भी खाना होगा तो हमारे साथ आइए, थोड़ा देखा जाए कैसा। इसको खाइए, ये टाइट है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है साहब, बहुत बड़ा बगीचा है साहब, ये सब हम इसको देखभाल करते हैं। हाँ जी, उसमें आम है, अमरूद है, सिरफल है, अमड़ा है, बहुत सारा पेड़ है इसमें। अच्छा, और क्या क्या है आपके पास? बस अमरूद है कि और कुछ है? अमरूद है साहब, और खाना अब आके देख लीजिए, घूम कर कितना बड़ा बाग है। और देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, इसको भी खाना चाहूँगा। और हम, और देखिए ये शिवा मैक्स, शिवा मैक्स खा रहा है, शिवा मैक्स खाओ, बहुत प्यारा लग रहा है इतने दिनों बाद, और इतना छोटा छोटा पेड़ भी इतना अच्छा अच्छा अमरूद खाने को मिल रहा है। और ये मन्नू भाई भी है, एक छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु। पंडित जी हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंडित जी। और ये है मन्नू जी, देखिए अमरूद आप भी खाइए मन्नू जी। भैया आप लोग से मिल के भैया हमें बहुत खुशी हुआ भैया। और ये जो है शिवा मैक्स कलाकार, बहुत बढ़िया, आप चलिए तो अभी कह रहे हैं कि आम खिलाएंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया। दोस्तों मन्नू भाई हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आज। हेलो जी, अरे ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इतना बड़ा अमरूद, ये देखिए, ये देखिए कि इतना बड़ा अमरूद, ये पक्का है भैया? कच्चा नहीं ना है? कब है? पक्का है ना वो? सब पक्का है, सब देखे
ये कुत्ता ही परेशान। दोस्तों ये कुत्ता देखिए इधर, ये कुत्ता, इसका नाम महेश है। महेश, ये महेश है हमारा, ये महेश है इनका, इनका इनका कुत्ता है। देखिए ये महेश, देखिए लो लो खाओगे, नहीं खराएंगे छोटा है। पेट नहीं भरा, देखिए अब इस पेड़ पर चढ़ने जा रहा है। देखिए जूता निकालो भैया, जूता निकालो, पेड़ पर चढ़ गया। जिसके आ जाते हैं हम लोग लूट करके खाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैक्स कैसा लग रहा है पेड़ पर चढ़ के बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। गिरना, गिरोगे तो और अच्छा लगेगा ना, इतना भारी शरीर नहीं है कि गिर जाऊंगा यहाँ से। अरे वाह, मैक्स मैक्स का फोटो जबरदस्त आ रहा है। अरे वाह वाह वाह, मैक्स क्या बोलना चाहते हैं बताओ? पेड़ चढ़वा नहीं ना हो, पेड़ चढ़वा नहीं ना हो। ना ना ना, मैक्स को लाइट आ रही है ऊपर से, तो आप वीडियो करने में अच्छा लगता। जैसे लग रहा है कि यही फट गया है पेड़ में। देखिए ये जैसे, और मनु भाई है यहाँ पर, मस्त है बेचारे। और ये झोली लटकी हुई है हम लोगों की, वो बड़ा इस लालच इसके अंदर बहुत ज्यादा है। देखिए मनु भाई बड़ा मेहनत कर रहे हैं। मनु भाई पूरा पेड़ हम लोग खिला देंगे क्या? ये शिवा मैक्स बड़ा मेहनत कर रहा है अमरूद तोड़ने में। गिर गया। शिवा मैक्स तो केवल खाने में परेशान है। देखिए देखिए बड़ा मुस्कुरा रहा है। भी कला भाई कलाकार है, अगर आपको वीडियो बनाना होगा तो यहाँ पे आ सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सत्य एक्सप्रेस के माध्यम से, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि भैया भैया के चैनल पर पहली बार इनका इंटरव्यू है, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और जितना से जितना शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों कीजिए, और प्यार दुलार इसी तरह देते रहिए कि अपने जीवन में इसी तरह तरक्की करते रहेंगे। और बहुत सारा आवाज़ हम लोग को इस चैनल के माध्यम से सुनाए भैया जी, भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि देखो मैक्स कि इस जंगल में रह करके मनु भैया कितना मेहनत करते हैं कि पक्षियों की आवाज़ निकाल लेते हैं। अरे वाह, इस हिसाब से इनको इस हिसाब से इनको जंगल मैन के नाम से, जंगली मैन, जंगली मैन, जंगली मैन। दोस्तों अभी हम लोगों ने पेड़ घुमाया, आप देखा कि पूरा जंगल घुमाया था, वहाँ पे अमरूद हम लोग खा रहे थे। और जब जंगल उधर से हम लोग जंगल से अंदर बाहर आए, तो फिर भी इन्होंने कम नहीं छोड़ी कि कद्र करना भूल नहीं भूलना है। और कद्र करने के लिए फिर एक बाल्टी में इतना सारा आम आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आम है, और इतना सारा, ये देखिए ये पूरा आम है सिर्फ मुझे और मैक्स, ये शिवा मैक्स के लिए। अच्छा ये आम कौन कौन सा, ये कौन सा आम है? ये आम तो हम लोग का बिरादर है भाई। ये आपका बिरादर है? मतलब जो हम है वो ये है। ये मुस्लिम? मुस्लिम नहीं, हाँ जो हम ये है। अच्छा देखिए इसको नहीं कहा जा सकता, इसको एक प्रकार से लंगड़ा आम है ये, और अपने आप को अपने नाम दे रहे हैं। ये लंगड़ा आम है दोस्तों। और ये ये चौसा आम है, ये चौसा है, और ये सब चौसा है, और ये सब लंगड़ा है, ये सब, ये कौन सा है? ये चौसा है, ये चौसा, ये लंगड़ा आम है दोस्तों। ये देखिए लंगड़ा आम है, और हमको खाने के लिए सारा व्यवस्था किया इन्होंने लोगों ने। भैया हम इतना थोड़ी खा पाएंगे? नहीं भैया खाएंगे ना। अच्छा जबरदस्ती खाएंगे यार, मतलब कि कुछ भी हो जाए, पेट गड़बड़ है चल जाएगा, लेकिन जबरदस्ती खाएंगे? गड़बड़ नहीं होगा भाई। अच्छा विश्वास है दोस्तों, ये दवा वाला आम नहीं है दोस्तों, ये वाला दवा वाला आम है, लेकिन ये असर नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा ये पेड़ वाला आम है ना, तो ये तो खाऊंगा दोस्तों। आपको बता दूं कि यही लंगड़ा आम है, इसी को लोग मार्केट में लंगड़ा के नाम से जानते हैं। इतना बड़ा बड़ा होता है ना भैया, इतना बड़ा बड़ा होता है लगभग। और देखो ये पंडित जी हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशी चौबे जी है यहाँ की, हम लोग साथ ही साथ दे रहे हैं बड़े मुद्दत के साथ। और दो लोग और हैं उधर, दिखाएंगे आपको, दो लोग अंकल जी भी हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? कालिकार जी है, और चाचा जी आपका नाम क्या है?
रविंद्र जी हैं, यहाँ भी हम लोगों के साथ बैठे हुए, हम लोग का वेट कर रहे थे सुबह से ही। अच्छा ये बताओ शिवा कि कैसा लग रहा है यार, हम लोग इतना आम खाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग आए और बहुत अच्छा लग रहा है भैया जी के पास। हाँ मन्नू जी दीवान जी के पास। अच्छा ये बताओ कौन सा आम खाओगे सर, लगड़ा खाओगे कि तुम भी लगड़ा ही उठा लिया? दोस्तों ये भी लगड़ा उठा लिया। बात ये है कि अपने से पका है, पेड़ पे पका है, पेड़ पका है, ये दैवीय शक्ति इसको कह सकते हैं। दोस्तों इसको दैवीय शक्ति कह सकते हैं और इसमें कोई कार्बाइड वगैरह नहीं मिला है। तो यही खाओगे तुम? लगड़ा खाओ, ये दूसरा खाओ, चौसा जिसको बोलते इसको खाओ, क्योंकि केमिकल वाला नहीं खाओगे। दोस्तों हम लोग इसको खाएंगे और दोस्तों इसका हम टेस्ट आपको बताते हैं कि लंगड़ा आम का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। और ये मेरा पसंदीदा आम है, मैं बहुत से बहुत पसंद करता हूँ इसको, ऐसे खाता हूँ। देख रही थी ये लाल लाल पीला पीला एकदम। अरे तो ऐसा लगा, ऐसा लगा था कि बेली फैल रहा हो। दोस्तों क्या बताएं, भूख मिट जाएगी अगर खा लिया जाए तो। ये मन्नू जी का प्यार है कि इतना बड़ा आम खाने को मिल रहा है वही बागीचे में, है ना शिवा? बागीचे में खाने कभी खाए नहीं बागीचे, ये बागीचे में खाने का पहली बार ऐसा चांस है। और बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी का, जो दीवान जी हैं यहाँ, क्या कौन सा गाँव सा है, आरीपुर से दीवान जी हैं जिनका नाम मनु अहमद है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोगों को पेड़ जो भी दिखाया, अमरूद का पेड़ दिखाया और अमरूद भी खिलाया, साथ साथ बगीचा घुमाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मनु अहमद जी का, जो एक पैर से विकलांग और एक हाथ से विकलांग है। मैं उनका चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोग हमेशा हर जगह तरक्की करते रहें। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।